मध्य प्रदेश के गलियारों से एक ऐसे दंगल की आवाज गूंज रही है जो कि दंगल किसी पहलवान की आवाज नहीं है, ना तो किसी अन्य खिलाड़ी का आवाज है। ये आवाज राजनेताओं का है और इस वक्त मध्य प्रदेश में नेताओं का हल्ला बोल है और नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रक्रिया चल रहा है। कहीं कांग्रेस बीजेपी वालों को शामिल कर रही है तो कहीं कांग्रेस के लोगों को बीजेपी शामिल कर रही है। जी, यही इस वक्त चल रहा है और अब चल रहा है, नाम आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब बीजेपी सोच रही है कि इनको अपनी पार्टी में शामिल कर ले ताकि हमको एक ऐसा चेहरा मिल जाए मध्य प्रदेश में जिससे हम कभी भी मध्य प्रदेश में चुनाव ना हारे। यही चल रहा है दोस्तों इस वक्त मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बीजेपी, इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी बीजेपी सोच रही है कि इस नेता को अपना लिया जाए, इस नेता को अपने पार्टी में शामिल कर लिया जाए। और इसी वजह से कई तार्किक चल रही है, कई पैतरे चल रही है इस वक्त बीजेपी मध्य प्रदेश में। लेकिन वो नेता है कि कोई आवाज़ उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा है कि हम इस पार्टी में जाएंगे। दोस्तों, वो पहले ही मना कर चुका है कि हम कांग्रेस में ही थे, पहले भी, आज भी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। और इस वक्त जब बीजेपी सोच रही है उनको अपने पार्टी में शामिल करने को, तो उनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है और इसी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रही है बीजेपी कि कहीं उनके तरफ से प्रतिक्रिया आ जाए और वो बीजेपी में शामिल हो जाए और हमारा बल्ले बल्ले हो जाए मध्य प्रदेश में। इसी तरह खबरों के लिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें।